आप सब। चलिए मैं फिर आ गई आपके चैनल पे, आप सबको स्वागत करती हूँ। चलिए मैं आपके लिए एक अच्छा सा ब्यूटी टिप्स लेके आई हूँ, वो है हमारा स्किन कैसे टाइट रहेगा, रिंकल्स नहीं आएगा। वो कैसे बनाते हैं घर के रेमेडी में हम आपको बताएंगे। कुछ बाहर में खरीदने की ज़रूरत नहीं, घर में जो चीज़ है उसे हम बना के लगाएंगे और फेस को पूरा टाइट रखेंगे। तो अक्सर कॉम एज में भी किसी किसका रिंकल्स आता है, टाइटनेस नहीं आता है, क्योंकि वो फेस के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे स्किन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो टाइट स्किन है या माने लूज स्किन है। इसलिए 30 के बाद तो जो केयर नहीं लेता उन लोग का तो ज़रूरी है, और रिंकल्स आ जाता है। तो रिंकल्स आने से हम लोग का अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए हम करेंगे। तो हम ये 30 के बाद नहीं बताएंगे कि अब ये लगाने से 8 ईयर जैसे दिखेंगे, 18 ईयर जैसे दिखेंगे, नहीं ये नहीं बताएंगे। हम आपको ये बताएंगे कि आप ये केयर लीजिए, आपका रिंकल्स कम होगा, आपका चेहरा पे ग्लो आएगा और आप सुंदर दिखेंगे। तो चलिए हम आज आपको 3 मेथड डेमो करके दिखा रहे हैं, प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं। तो कैसे दिखाएंगे चलिए शुरू करते हैं। पहले आप ऐसे ही चावल लेंगे, उसको पानी में डाल लेंगे। उसका जो पानी आप चावल धो के फेंक देते हैं ना, ये बहुत काम का चीज़ है, इससे हम फेस में लगाएंगे तो फेस पूरा ग्लो करेगा, टोनर जैसे काम करेगा और टाइटनेस लाएगा। आपका जो भी झुर्रियाँ हैं रिंकल्स है वो सब गायब हो जाएगा। तो ये फेंकने के बजाय हम तो यूज़ कर सकते हैं ना, तो कितना बेनिफिट होगा हम लोग के लिए। तो चावल में कितना अच्छा गुण है, वो उस पर हम खाते हैं, सेहत के लिए खाते हैं ना, इसमें विटामिन भी है, प्रोटीन भी है, तो कितना अच्छा काम करे। देखिए ये जो चावल का पानी है उससे हम निकाल देंगे एक जगह में, तो फेंकने के बजाय ये हमारा कितना बेनिफिट होगा। ये चावल का उबाल के जो पानी हम फेंक लेते हैं उसको भी पीने से बहुत सेहत के लिए अच्छा है। तो चलिए दिखाते हैं हम लोग हम कैसे करेंगे। तो पहले हम फेस को क्लीन कर देंगे। देखिए मैंने फेस को क्लीन कर लिया है फेस वॉश से। फिर ये चावल का पानी लेंगे, आप चाहे तो हाथ से मदद से इसे ऐसे कीजिए, नहीं तो एक कटन लीजिए, कटन के साथ कटन को भिगो के इसे ऐसे लगाइए। जहाँ जहाँ भी आपका रिंकल्स आता है वहाँ वहाँ लगाइए। देखिए हमने ऐसा लगा लिया, इससे सूखने के बाद अब पूरा ठंडा पानी में फेस को वॉश कीजिए। इतना ही वॉश करना है, रेगुलर ऐसे करेंगे। जो चीज़ फेंकने का है उससे हम इस्तेमाल करके अपने स्किन का फेस का केयर ले सकते हैं, तो उससे सूखने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद देखिए मेरा फेस पूरा सूख गया है, अभी उसको हम वॉश करके आते हैं। देखिए मैंने फेस वॉश कर लिया है, आप देख रहे होंगे क्लियर दिख रहा है। तो ये रेगुलर करने से आप लोग का रिंकल्स पूरा गायब होकर टाइट होगा। आप 20 ईयर से भी कर सकते हैं, ये कुछ हानिकारक नहीं है। आप 1000 रुपये का क्रीम लाएंगे, लेकिन ये घर में करने से बहुत बेनिफिट है। 20 ईयर्स में भी कर सकते हैं, 25 में भी कर सकते हैं, 30 प्लस में तो ज़रूरी ये सब करना चाहिए, क्योंकि नहीं करेंगे तो हम लोग का रिंकल्स आने से अच्छा नहीं लगेगा। जितना एज है उससे भी ज़्यादा दिखेगा, वो तो अच्छा नहीं लगेगा। तो दूसरा मेथड क्या है चलिए हम दिखाते हैं। फ्रेंड हमारा फर्स्ट मेथड हम बता दिए, सेकंड मेथड हम आपको जो भी चीज़ बताते हैं 2 3 4 5 बताते हैं, एक चीज़ कभी नहीं बताते। क्योंकि जो भी एक चीज़ नहीं होगा आप दूसरा भी ट्राई कर सकते हैं। हाँ मेरा घर में ये नहीं है, ये है, हम ये लगा सकते हैं, इसलिए हम 3 4 मेथड बता रहे हैं। तो एक तो ये हो गया चावल का पानी, दूसरा है हमारा मेथी। ये जो मेथी है मेरा पहले से ही पिसा हुआ था, आप उसको पानी में भिगो के पीस सकते हैं, नहीं तो पूरा चूना पाउडर बना के उससे भी लगा सकते हैं। देखिए मेरा पाउडर है, इसे हम क्या करेंगे दही में मिलाएंगे। ये क्या क्या काम करेगा मेथी, तो आप
लोग को पता है हेयर में भी ज़्यादा अच्छा काम करता है, जो भी चीज़ में है मेथी बहुत अच्छा काम करता है, फैटनेस है उसको कम करता है। तो ये क्या करेगा, हमारा स्किन को पूरा टाइट करेगा, टाइट करने से रिंकल्स कम होगा। ये दही है जो, ये तो बहुत अच्छा है, जानते हैं, ये ग्लो करता है, मॉइस्चर देता है, तो हेयर के लिए भी अच्छा है, फेस के लिए भी अच्छा है। तो दोनों को पूरा आपस में पूरा मिला लीजिए अच्छी तरह, ऐसे ही। तीन में से कोई भी एक चीज होगा तो आप कर सकते हैं। तो चलिए हम लगा के दिखाते हैं आप लोग को। देखिए इसे लेंगे, ये मेथी को पानी में भिगो के ग्राइंडिंग करने से थोड़ा अच्छा होगा, वो पूरा पेस्ट हो जाएगा, वो बहुत अच्छा होगा। अक्सर हम लोग का जो रिंकल्स आता है यहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है, अब ये नेक में आता है, तो इस सब जगह में हम लगाएंगे। तो फ्रेंड देखिए ये मेरा सूख गया है, ये बहुत अच्छा चीज़ है। हम आपको बताया नहीं, ये मेथी में हम लोग में हमारा आयरन है, फिर कैल्शियम भी है, पोटेशियम भी है, वो फेस को पूरा टाइटनेस करें। तो चलिए मैं फेस को वॉश करके आती हूँ। तो देखिए हमने वॉश कर लिया, आपके सामने सब रिजल्ट हम दिखा रहे हैं। तो एक ही बारे में हम तीन चीज़ों करके दिखा रहे हैं सिर्फ आपके लिए। आप एक करिए, आप तो तीनों नहीं करेंगे ना, एक करेंगे, लेकिन हम तीन करके दिखा रहे हैं, बहुत बेनिफिट का काम है। देखिए फेस को देखिए, रेगुलर ऐसे करने से आपका स्किन पूरा टाइट होगा और रिंकल्स झुर्रियां जो है वो पूरा गायब होगा। फिर चलिए थर्ड मेथड दिखाते हैं। थर्ड है हमारा ये जो कैरेट है, गाजर, गाजर के हमने ये छोटा छोटा पीस कर लिया है क्योंकि इसको हम बॉईल करेंगे, उसके साथ है हनी, इन दोनों को मिला के पैक करेंगे। तो गाजर में क्या है, विटामिन ए भी है, विटामिन B6 है और बीटा कैरोटीन भी है, तो ये बहुत काम का चीज़ है। ये फेस को हम आपको जो देखा रहे हैं, आपको देखिए यहाँ पर, देखिए मेरा यहाँ पर दिखे डिफरेंस आपको दिखाई देगा, क्योंकि हम इधर तक लगाए थे, तो इधर देखिए कैसा दिख रहा है, इधर देखिए कितना वाइट दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो ये हनी, हनी में हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट है और इसमें आयरन है, बस ये स्किन को टाइट करेगा। तो चलिए हम इसको बॉईल कर देते हैं, बॉईल करके लाते हैं, फिर पैक बना के दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड मेरा जो थर्ड मेथड है, हम बताए थे गाजर, गाजर को हमने बॉईल कर लिया है और ज़्यादा पानी नहीं दिए हैं। आप भी ऐसा कीजिए, ज़्यादा पानी नहीं, कम पानी देंगे, जो भी पानी होगा उससे वो सूख जाएगा, पानी नहीं फेंकेंगे, वो पूरा सूख गया है मेरा, उसको चलिए पूरा कद्दूकस कर लेते हैं। देखिए इसको हम पूरा मीन कर लिए हैं, कद्दूकस कर लिए हैं। आप चाहे तो इसको ज़्यादा गाजर लेके बॉईल करके ग्राइंडिंग करके फ्रीज में स्टोर कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा रोज लगाइए। और जो मेथी और दही का दिखाए तो वो भी मेथी को पूरा ग्राइंडिंग करके फ्रीज में रख सकते हैं, जो जब लगाएंगे दही डाल के लगाएंगे। देखिए इससे हम अभी थोड़ा सा हनी डालेंगे, देखिए थोड़ा सा शहद हनी हमने मैं ऐड कर लिया, उसको पूरा मिला लेंगे अच्छी तरह से, फिर फेस में लगाएंगे। देखिए हमने लगा लिया है, उसको सूखने के लिए छोड़ देंगे, फिर वॉश करेंगे। देखिए गाइस मेरा सूख गया है, अभी हम वॉश कर लेते हैं। देखिए मैंने वॉश कर लिया है, तो फ्रेंड कैसा लगा आज का मेरा वीडियो, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही ब्यूटी टिप्स के बारे में लेकर आऊँगी आपका ख्याल रखने के लिए। तो फिर रखते हैं, टेक केयर।